ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 32 फंदे लिए हैं। 20 फंदे पैटर्न के हिसाब से लिए हैं, प्लस 12 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, जिसमें कि 10 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और नीचे से बेस देने के लिए मैंने इसकी 2 रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदों का ये पैटर्न हम एंड तक रिपीट करते हुए जाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे और लास्ट में 2 फंदे सीधे एस स्टिच उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। इस रॉ में देखिए, हर बार जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, जैसे भी फंदे होंगे हर बार रॉन्ग साइड में वैसे ही बनेंगे। उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। रॉ थर्ड है राइट साइड। एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ये देखिए 2 फंदे सीधे, जो जैसे फंदे हैं वैसे ही बना रहे हैं। 2 फंदे उल्टे, ये देखिए 2, 4, 6, 8 और 2 फंदे सीधे। ये देखिए, 10 फंदे हम सेम ही बनाएंगे, जैसे दिखाई दे रहे हैं फंदे वैसे ही बना लेंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। अब आगे के 10 फंदे हम इसके ऑपोजिट बनाएंगे। जो फंदे नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं उसके उल्ट हम इसके फंदे बनाए हैंगे। जैसे कि ये 2 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा आगे, 2 फंदे सीधे हैं, इसके ऊपर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे और सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे बनाएंगे और 2 फंदे सीधे। ये देखिए, ये हमारे 10 फंदे होंगे। ये देखिए, 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ तक 10 फंदे हो गए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने ये देखिए 10 फंदे जैसे दिखाई दे रहे थे वैसे ही बनाए हैं। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और फिर 10 फंदे हमने जैसे नीचे दिखाई दे रहे हैं उसके ऑपोजिट हमने बनाए हैं। उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे, सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, फिर उल्टे सीधे फंदे, फिर उल्टे, फिर सीधे। ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये 20 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो फिर से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ तक हमारे 20 फंदे हो गए हैं। ऐसे ही जितने भी आपके पास फंदे होंगे उनको आपने बनाना है। 10 फंदे सेम बनाने हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही, और 10 फंदे हमने जैसे नीचे दिखाई दे रहे हैं उसके उलट आपने इसके ऊपर बनाना है। सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे और उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे बनाने हैं। ये 10 फंदे हमने बनाने हैं। तो फिर से ऐसे ही आगे आगे रिपीट करते हुए जाएंगे और एंड में हम देखिए ये वाले फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे,
दो फंदे उल्टे, ये हमारे 10 फंदे रहेंगे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो ये हम जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे। और रॉन्ग साइड हर बार सेम ही बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा। रो 5 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 10 फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए अब हमने ये 10 फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे नहीं बनाने हैं, जैसे हमने इसकी फर्स्ट रो में बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। दो फंदे उल्टे, ये देखिए यही पैटर्न हम आगे आगे रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ये सारी रो हमने सेम ही बनानी है, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। रो 7 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फिर से हम इस रो को रो 3 की तरह बुनकर कंप्लीट करेंगे, 10 फंदे सेम ही बनाएंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए 10 फंदे सेम ही बना लेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं, और 10 फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उसके ऑपोजिट बनाएंगे, उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे बनाएंगे। दो फंदे सीधे, ये देखिए ये उल्टे फंदे हैं, इसके ऊपर दो फंदे सीधे और सीधे फंदों के ऊपर दो फंदे उल्टे। ये 10 फंदे हम बनाएंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 10 फंदे सेम ही बनाए हैं और 10 फंदे हमने इसके ऑपोजिट बनाए हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं उसके उलट हमने ऊपर इसके बनाए हैं। ये हमारी 7th रॉ रॉ 3rd की तरह ही सेम रहेगी। फिर 10 फंदे लास्ट में जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे और स्टिच उल्टा बना लेंगे। रो 9 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से रो 9 को रो 1st की तरह ही बुनेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ये देखिए दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, ऐसे ही ये सारी रो कंप्लीट करेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ये देखिए इस पैटर्न में हमारी ये दो रो ही बार बार रिपीट होंगी, 1st एंड 3rd रो, इसको ही हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। इसकी 10 रो ऐसे सेम ही बनेंगी, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, उल्टे, दो फंदे सीधे और लास्ट में स्टिच उल्टा। ये देखिए फ्रेंड 10th रो कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से यही 10 रो हम ऊपर रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, ये वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा और ये वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा। ये देखिए ये वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, रो 11 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब देखिए
दो फंदे उल्टे, सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे और उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, ये उल्टे फंदे हैं, इनके ऊपर सीधे फंदे, दो फंदे सीधे। ये देखिए यही पैटर्न हम एंड तक रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, 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 दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, एस स्टिच भी उल्टा ही। और 13 राइट साइड एस स्टिच ऐसे उतारेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये 10 फंदे हम जैसे दिखाई दे रहे हैं इसके ऑपोजिट बनाएंगे, उल्टे फंदे के ऊपर सीधे फंदे, सीधे फंदे के ऊपर उल्टे फंदे। ये देखिए दो फंदे सीधे, यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे हैं, इनके ऊपर दो सीधे फंदे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे सीधे फंदे हैं तो दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो चार छः आठ और दो फंदे सीधे। ये देखिए ये हमारे 10 फंदे हो गए हैं जो हमने नीचे के फंदों के ऑपोजिट बनाए हैं, उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे और सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे। अब 10 फंदे हम सेम ही बनाएंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, सिक्स, दो फंदे उल्टे, एट और दो फंदे सीधे, 10। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, इसमें हमने 10 फंदे ऑपोजिट बनाए हैं नीचे के फंदों के और 10 फंदे सेम ही बनाए हैं। फिर से लास्ट में 10 फंदे हम ऑपोजिट बुनेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे, सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एस स्टिच उल्टा। रो 15 राइट साइड एस स्टिच ऐसे उतारेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, रो 15 को रो 11 की तरह ही बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए ये 4 फंदों का पैटर्न ही इस सारी रो में रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो सीधे, दो फंदे उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, एस स्टिच भी उल्टा ही। रो 17 राइट साइड एस स्टिच ऐसे उतारेंगे। ये देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा पीछे करेंगे, रो 17 को रो 13 की तरह ही बुनेंगे। ये 10 फंदे हम बनाएंगे, दो सीधे, दो उल्टे, उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे बनाएंगे और सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे बनाएंगे। 10 फंदे बना लेंगे ऐसे ही, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, दो उल्टे, दो फंदे सीधे, सिक्स, दो फंदे उल्टे, एट, दो फंदे सीधे, 10। फिर 10 फंदे हम जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, दो फंदे सीधे, 2, दो फंदे उल्टे, 4, दो फंदे सीधे, 6, दो फंदे उल्टे, 8, दो फंदे सीधे,
टेन। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही एंड तक इसे रिपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं उसके ऑपोजिट बुनेंगे। टेन फंदे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एस्टिच उल्टा। रॉ 19 राइट साइड एस्टिच ऐसे उतारेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। रॉ 19 को रॉ 11 की तरह ही बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए यही फोर फंदों का पैटर्न एंड तक रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे। धागा आगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, 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 दो फंदे लास्ट में उल्टे, एस्टिच भी उल्टा ही। रॉ 20 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इसकी फर्स्ट रॉ देख लीजिए कैसे करेंगे। एस्टिच ऐसे उतार लेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये फंदे दो सीधे, दो उल्टे। ये देखिए ये फोर फंदों का पैटर्न ही हम एंड तक रिपीट करेंगे। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, 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 दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो फंदे उल्टे, दो सीधे, एस्टिच उल्टा। ये देखिए फ्रेंड, फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ऐसे ही बार बार इसकी 1 to 20 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए फैन, ये देखिए, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से भी ये इस तरह से दिखता है। कोई भी साइड आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से ये सेम ही दिखता है। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।